हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स हैदराबाद। अभी देखेंगे, मेरे पास है एक रेडमी नोट 5 का मोबाइल है। इसके अंदर जो डेड कंडीशन के अंदर है, तो यहाँ देखेंगे डीसी के अंदर स्विचिंग चेक करेंगे क्या चीज़ के अंदर डेड है और कैसा इसका फॉल्ट फाइंडिंग करना है। इसके अंदर आपको ड्यूअल पावर मिलेगा, ड्यूअल पावर के अंदर कैसा वर्क करना है और चेकिंग कैसा करना है। अभी बैटरी तो मैं हटा दे रहा हूँ, अभी मैं जस्ट डीसी को यहाँ कनेक्ट कर देना। तो यहाँ देखेंगे डीसी के अंदर जो स्विचिंग आ रहा है, तो 0.010 तक का स्विचिंग ले रहा है, लो बूटिंग के अंदर है। तो एक एक बार देखेंगे, 14 तक भी जा रहा है, 11 तक जाके क्या हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, प्रॉपर स्विचिंग नहीं हो रहा है। 11-14 तक जाके क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन के अंदर कैसा रिपेयर करना है, क्या चीज़ रिपेयर करना है, तो पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ मीटर के अंदर आपको पहले चेक करेंगे जो वी बैट की कनेक्शन के ऊपर चेक करेंगे। जैसा वी बैट के अंदर चेक करेंगे, यहाँ जो है 455 का रीडिंग ले रहा है, और जैसा इसको मैं रिवर्स कर दिया तो 1400 तक आ रहा है, मतलब वी बैट लाइन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ चेक करेंगे, सेकंड पॉइंट के अंदर चेक करेंगे अपन, यहाँ जो है VPH की लाइन के अंदर चेक करेंगे, यहाँ जो है VPH की कॉइल है और इसके बगल में जो है बूट कैप है, तो VPH के अंदर चेक करेंगे यहाँ, तो 340-350 का रीडिंग शो कर रहा है। जैसा मैं यहाँ भी रिवर्स करके चेक कर लेता हूँ इसको प्रोब को, तो यहाँ भी ऑयल शो कर रहा है, मतलब VPH में भी कोई भी टाइप ऑफ शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ बूट कैप के ऊपर चेक करेंगे, 586 रीडिंग आ रहा है, यहाँ भी देखेंगे इधर तरफ भी अपने को रीडिंग मिल रहा है, ठीक है, ये ओके है, और VPH बन रहा है। जैसा VPH में शॉर्टिंग नहीं है, मतलब जो है इसके अंदर कोई भी टाइप ऑफ शॉर्टिंग तो नहीं दिख रहा है। तो जैसा अपन चार्जर लगा के आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर वोल्टेजस VPH बना रहा है या नहीं बना रहा, तो जैसा चार्जर कनेक्ट करेंगे, यहाँ चार्जर कनेक्ट करने के बाद यहाँ चेक करेंगे वीबस का इनपुट, यहाँ इसके नीचे आता तो हम यहाँ चेक नहीं कर सकते, तो यहाँ सीधा मैं आईसी के पास चेक करता हूँ। इसके पास जो है वोल्टेज के अंदर वोल्टेज मोड में लगाएंगे, तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ जो है 5 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो और VPH बना रहा है क्या देखेंगे, VPH 3.20 VPH भी बना रहा है। तो यहाँ देखेंगे इसके पास यहाँ 7 वोल्ट बना रहा है, और इसके अपोजिट में देखेंगे बूट कैप के ऊपर यहाँ भी वोल्टेज बना रहा है। तो ये वाला आईसी तो ठीक है, यह जो यहाँ का आउटपुट चेक करेंगे बक के अंदर कॉइल्स के अंदर कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज बना रहा क्या, तो यहाँ देखेंगे कोई भी वोल्टेज यहाँ नहीं बन रहा है। तो इसके बाद देखेंगे इसके ऊपर भी कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज नहीं बन रहा है, और यहाँ भी देखेंगे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो यहाँ देखेंगे कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो यहाँ भी देखेंगे कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो यहाँ भी देखेंगे कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज नहीं बन रहा है, कोई भी बग पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, कोई एक बग भी आपको रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे नीचे का पावर जो है, नीचे के पावर के पास जो बग कॉइल कनेक्टेड है इस पर कुछ वोल्टेज बन रहा क्या, तो यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ भी देखेंगे यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं, और यहाँ भी देखेंगे यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं, तो यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ कोई भी वोल्टेज नहीं, तो यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ कोई भी वोल्टेज नहीं, यहाँ भी कनेक्ट कर रहा हूँ तो कोई वोल्टेज नहीं। तो जैसा बक के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं बना रहा है, मतलब जो है इसके अंदर काम करना कैसा है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ कंफ्यूज रहते हैं, ये वाला आईसी जो है केवल आपको VPH बना रहा है, आउटपुट बना रहा है, तो यहाँ देखेंगे ये वाला आईसी को VPH मिल रहा है क्या, तो इसके पास देखेंगे यहाँ भी अपने को VPH यहाँ मिल रहा है, अपने को यहाँ भी देखेंगे इस आईसी को भी VPH मिल रहा है, तो और यहाँ देखेंगे यहाँ तो कुछ नहीं, ठीक है, और यहाँ देखेंगे यहाँ भी अपने को VPH मिल रहा है। तो आईसी को VPH तो मिल रहा है, मगर फिर भी आईसी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या चीज़ चेक करना है, तो पहले यहाँ चेक करना है अपने को, सेकंड स्टेप के अंदर इसका स्टेप के अंदर चेक करना है अपने को, जो इसका VREG बॉब का लाइन चेक करना है, इसका जो कॉइल नीचे के तरफ कनेक्टेड है, तो ये वाला कॉइल को मैं अभी टेस्टिंग करता हूँ। तो यहाँ देखेंगे ये वाला आईसी तो ओके है, इसका तो आउटपुट अपने को निकल रहा है। उसके बाद देखेंगे यहाँ जो भी कॉइल्स कनेक्टेड है, एक एक कॉइल पे, ये वाला कॉइल पे देखेंगे 270 रीडिंग शो कर रहा है, यहाँ देखेंगे
324 का जी आर शो कर रहा है, यहाँ भी देखिए 95 का जी आर शो कर रहा है, यहाँ भी देखिए 95 का जी आर शो कर रहा है, यहाँ भी 326 का जी आर शो कर रहा है। ये वाला कॉइल जो है, यहाँ देखेंगे ये वाला कॉइल शॉर्टिंग के अंदर दिखा रहा है, मतलब ये वाला कॉइल का कनेक्शन जो है, इस कॉइल का कनेक्शन यहाँ डायग्राम के अंदर बताता हूँ मैं, ये वाला कॉइल के अंदर। तो पहले लेआउट निकालेंगे, तो यहाँ लेआउट ओपन करेंगे इसका, तो यहाँ देखेंगे इसका जो कनेक्शन के अंदर, स्कीमेटिक के अंदर जाके जो Xiaomi का मॉडल है Note 5 Pro, ठीक है याद दिख रहा है। अब यहाँ ओपन करेंगे लेआउट, तो ये वाला कॉइल का कनेक्शन देखेंगे पहले, जो यहाँ जो ओपन हुआ है इसका लेआउट जो है, लेआउट के अंदर यहाँ का कनेक्शन देखेंगे, ये वाला कनेक्शन। तो ये वाला कॉइल का कनेक्शन जो है, इसको मैं नंबर लिफ्ट कर ले रहा हूँ और इसका यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट कर दिया। तो ये वाला कनेक्शन यहाँ ये आ रहा है अपने को, VSW बॉब का कनेक्शन आ रहा है अपने को, जो यहाँ से जो कनेक्शन निकलता है, इसके अंदर से कनेक्शन निकलता है, ये इसी आईसी के अंदर इसमें ही इन हो रहा है, इसी से आउट हो रहा है, इसी से इन हो रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कॉइल शॉर्ट है तो तनादन CPU निकालना करना ये काम करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं भाई, ये वाला जो लाइन है इसी के अंदर से इसमें ही इन हो रहा है, मतलब इसी के अंदर कुछ वोल्टेज बना के आगे भेज रहा है। तो देखेंगे इसके अंदर ये वाला लाइन जो है, ये VREG बाप के नाम से ये आउट निकल रहा है एक कैप, तो इसका कैप को चेक करेंगे, ये वाला कैप के अंदर देखेंगे ये बहुत सारा सेक्शन के अंदर ये इन हो रहा है, ये लाइक VPH का ही सप्लाई है, ठीक है, लाइक VPH का 4 वोल्ट का सप्लाई है। तो ये वाला IC जो कनेक्शन, ये वाला जो VREG बाप जा रहा है U801 के अंदर, जो LDO सेक्शन के अंदर जा रहा है। U801 कौन सा IC है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये पहला वाला IC, ठीक है, मतलब ये पहला वाला IC के अंदर जा रहा है, इसका जो है VRAGE कनेक्शन को ऑन कर रहा है, इसका VRAGE कनेक्शन को ऑन कर रहा है, इसलिए इसके अंदर कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज जो है पहला वाला पावर के अंदर भी अपने को कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे इसके अंदर है तो सेकंड वाला IC फॉल्ट, पहले वाला IC तो वोल्टेज बना रहा है मगर बक नहीं बना रहा है, ताकि जो है यही IC जो है इसके अंदर जाके अपने को हाई LDO को ऑन करता है। तो देखेंगे इसका ये वाला कॉइल जो शॉर्ट बता रहा है, तो ये वाला कॉइल जो आपको शॉर्टिंग के अंदर शो कर रहा है, तो ये वाला IC पहले लिफ्ट कर लेंगे। इसका दो कनेक्शन भी जो है आउट ही जाता है इसका, और ये नीचे वाला कैप जो है इसी का कनेक्टिविटी कैप है, ये वाला कैप, और यहाँ देखेंगे इसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं, मतलब ये वाला कॉइल जो शॉर्ट है, मतलब ये वाला IC क्या है, इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो अभी IC को निकालेंगे, ये वाला IC को मैं रिमूव कर दिया, और जहाँ जैसा पावर रिमूव कर दिया, और उसके बाद इसको क्लीन कर लेंगे।
जिसमें है ना क्लीन कर लेंगे। आफ्टर क्लीन करने के बाद चेक करेंगे तो यहाँ इसका कॉइल पे अभी शॉर्टिंग चेक कर लेंगे यहाँ। तो यहाँ कोई भी टाइप ऑफ जीआर वैल्यू भी नहीं है मगर शॉर्टिंग भी नहीं है, मतलब ये वाला शॉर्टिंग यहाँ से क्लियर हो गया। ये वाला लाइन आप देख सकते हैं यहाँ से लेके ये वाला इसी के अंदर, एक इसी के अंदर जो है कनेक्ट हो रहा है और इधर का भी कनेक्शन आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ ही आ रहा है। इसका इनपुट भी इसी के अंदर है, आउटपुट भी इसी के अंदर है। तो अब ये वाला पावर जो है हम चेंज करेंगे, जो पुराना पावर जो है इसका शॉर्ट हो गया और इस पावर को हटा के जो है इसका चेंज करेंगे। तो दूसरा कोई बोर्ड लेता हूँ मैं पावर निकालने के लिए। तो अभी अपन इसके अंदर पावर तो इंस्टॉल कर दिए, तो चेक करेंगे वीआरईजी बॉब वाला कॉइल के पास चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ 354 का अपने को जीआर मिल रहा है, मतलब ये वाला सेक्शन अपने को ओके हो गया। तो अभी इसको ऑन करके देखेंगे। चेक करेंगे डीसी के अंदर जो है क्या चीज़ हो रहा है। जैसा अभी यहाँ मैं चार्जर को कनेक्ट करके पहले ये चीज़ चेक करता हूँ मैं पावर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रॉपरली वोल्टेजेस बना रहा है या नहीं बना रहा। जैसा चार्जर को यहाँ इन कर दो, बैटरी कनेक्ट करके चेक करेंगे। जैसा बैटरी कनेक्ट कर दिए तो बैटरी कनेक्ट करके यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ VPS तो बना दिया। तो यहाँ देखेंगे बूट कैप के ऊपर वोल्टेज भी यहाँ बना दिया फोन, और इसका जो वोल्टेज देखेंगे यहाँ 2 वोल्ट का हाई रेल वो बना दिया, और यहाँ देखेंगे इससे पहले जो भी वोल्टेजेस इसका एक भी वोल्टेजेस नहीं बन रहे थे, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं हो सकता है ये मॉडम का रिलेटेड का, ये PC का रिलेटेड का। यहाँ देखेंगे यहाँ भी कोई वोल्टेज हाई नहीं है, और यहाँ भी देखेंगे यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है, और यहाँ भी देखेंगे कोई भी टाइप ऑफ वोल्टेज यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, आफ्टर ऑन के बाद तो मिल जाएगा ये वोल्टेजेस। और यहाँ देखेंगे बॉब वाला कॉइल के पास देखेंगे ये एक तरफ अप वोल्टेज बनेगा एक तरफ डाउन वोल्टेज बनेगा, चाहेंगे यहाँ 1.82 वोल्टेज बन रहा है तो यहाँ 1.8 की वोल्टेज ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला कॉइल भी अपने को ओके हो गया, और यहाँ भी देखेंगे यहाँ भी वोल्टेजेस ओके है, और यहाँ भी अपने वोल्टेजेस ओके है, और यहाँ भी देखेंगे वोल्टेजेस ओके, और यहाँ भी देखेंगे वोल्टेजेस ओके, और यहाँ भी देखेंगे 1.3 का वोल्टेज, सारा वोल्टेजेस बन गया। और यहाँ देखेंगे रैम वाला सप्लाई 0.60 वोल्टेज बनना है, यहाँ भी वोल्टेज बन गया अपने को, ये रैम की ऐसी है तो यहाँ भी अपने वोल्टेज बन गया, मतलब अपना सेट जो है ऑन हो जाएगा। अगर इसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा मतलब समझ जाना ये EMMC का रिलेटेड का कुछ ना कुछ इशू निकल जाएगा। तो अभी देखेंगे ये चार्जिंग सिंबल तो यहाँ शो कर दिया, मतलब यहाँ फोन अपना ऑन हो गया। तो इसका ड्यूअल पावर के अंदर कोई भी मॉडल के अंदर इसी टाइप में आप काम कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाला VREG बॉब के ऊपर जो है उस लाइन के अंदर क्या चीज़ का फॉल्ट था और इसके बाद जो है अलग फॉल्ट, एक ही लाइन है मगर डिफरेंट फॉल्ट्स आपको मिलते रहते हैं। इस टाइप का फॉल्ट फाइंडिंग सीखना है, प्रॉपरली हैंड स्किल सीखना है, प्रॉपरली डायग्राम रीड करना सीखना है तो आप लोग जेन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। अभी जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 27 फरवरी कुछ नया बैच स्टार्ट होने वाला है, आप कॉल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप प्रॉपरली एक स्टेप बाय स्टेप होता है फॉल्ट फाइंडिंग चेक करने का तरीका, तो इसी तरह से आप सीखना है तो आ सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। थैंक यू वेरी मच। तो अभी फोन